कळमनुरी शहरातील नगरपालिकेला स्वच्छतेचा विसर पडल्यामुळे काँग्रेस नगरसेवक शेख इलियास शेख मस्तान नाईक हे नगरपालिका कार्यालयासमोर 26 डिसेंबर पासून उपोषणाला बसले आहेत. स्वच्छतेच्या बाबतीत नागरिकांनी नगरपालिकेकडे वारंवार तक्रार करूनही काहीच उपयोग झाला नाही. शहरात अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचल्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा धोका उद्भवला आहे. त्यामुळे शहरात 7 जन्य रोगांचा प्रसार होण्याची शक्यता आहे. नगरपालिका प्रशासनाने स्वच्छतेच्या बाबतीत नगरसेवकाच्या उपोषणानंतर तरी स्वच्छता होईल अशी अपेक्षा होत आहे. याबाबत आमच्या प्रतिनिधींनी नगरसेवक ॲडव्होकेट नाईक यांच्याशी संवाद साधला. वहां तो कोई सफाई नहीं. ठीक है सर, मतलब आपके साथ में नागरिक से नागरिकों के साथ में आपके एरिया के वार्ड मेंबर के हिसाब से आप जो वार्ड मेंबर के आए थे आपने जो उनको नागरिकों से संपर्क किया है तो नागरिकों का इस बारे में क्या कहना है? देखिए, नागरिक तो हर हमेशा ये चाहता है कि गांव में सफाई हो, हमारा गांव स्वच्छ रहे. और यही जो है तो नगरपालिका प्रशासन सत्ताधारी पार्टी है उससे जो है तो नागरिकों की उम्मीद रहती है और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती है तो नागरिक अपना जो है तो नाराज़गी जाहिर करते हैं नगर सेवक के पास या फिर प्रशासन के पास या फिर जो है तो सत्ताधारी पार्टी के पास. तो जो नागरिक है उनका ये कहना है कि सफाई कुछ इलाकों में हुई है और कुछ इलाकों में नहीं हुई है. कई जगहों पर जो है तो आज भी जो है तो नालियाँ भरी हुई है, कई जगहों पर जो है तो आज भी उपंडे, कई जगहों पर जो है तो आज भी जो है तो कचरों के ढिगार जैसे कि वैसे ही है, उसे उठाया नहीं गया. ये नागरिकों का कहना है. ठीक आहे, थँक्यू सर. गुलाब भालेराव, स्टार न्यूज, कळमनुरी.